हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है। साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारा काम ना हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करने की जरूरत। न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो कैसे करें इसको। साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x है, राइट साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन की पावर 4x का स्क्वायर और माइनस में कोस की पावर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी सोच लो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या बन गया मेरे पास? साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। इसको आप यहां भी कर सकते हो, मैंने इसलिए नहीं किया, बार बार डिनोमिनेटर लिखना पड़ता इसका। और इनटू में क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4x और प्लस में कोस की पावर 4x, हो गया। इसको फिर ब्रेक कर सकते हैं हम किस में? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारी टर्म एज इट इज रह जाएगी, साइन की पावर 4x और प्लस में कोस की पावर 4x। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इससे आगे देखो, यहां पे क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया 1 इंटू में। ये क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4x है। साइन की पावर 4x को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं या नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इनको लिख लेते हैं। साइन की पावर 4x को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोस की पावर 4x को लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में ये साइन स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में इस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कर दिया, आगे आ जाओ। अब ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला बन गया? माइनस का कोस 2x का, क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये उल्टा दे रखा है तो माइनस बाहर ले लिया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। अब साइन स्क्वायर एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, हो गया। तो क्या आ गया? माइनस का कोस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, माइनस में ये और ये सेम टर्म है तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया या नहीं आ गया? मतलब इसको न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। अब इसमें पुट कर लो। अब ऊपर क्या आ गया? माइनस का कोस 2x इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या मेरे पास? इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2x और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब माइनस बाहर आ गया, कोस 2x का क्या हो जाएगा? सिंपली साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा अपॉन में 2, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। ये आंसर हो गया मेरे पास। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? मेन काम था इसको सिंप्लीफाई करना। न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिया है, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा और इजिली क्वेश्चन आउट कर लिया। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।